हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ एओ और एओ एग्जाम के लिए क्वांट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है, ए बी सी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन रेशियो 1:4, 1:6 एंड 2:10। After 3 months, she withdrew 1:6 of the investment, and after 1 year from the start to business, A and B got the share of 12,000 out of the total profit. Then find the share of C. हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ए और बी एंड सी, ठीक है, तीन बिजनेस पार्टनर हैं, वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो कुछ अमाउंट क्या है इन्वेस्ट करते हैं, और वो किस रेशियो में है, 1:4 रेशियो, 1:6 रेशियो, 2:10, और 3 months के बाद क्या है, 1:6 टोटल, ठीक है, अपना वन कुछ 3 months के बाद क्या है, सी अपने इन्वेस्टमेंट का 1:6 पार्ट विड्रॉ कर लेता, ठीक है, एंड देन एट द एंड ऑफ द 1 year के बाद हमें कंक्लूजन बताया गया कि टोटल शेयर में से ना ए और बी का जो प्रॉफिट शेयर है वो 12,000 है। ए और बी का प्रॉफिट शेयर इज 12,000, तो सी का प्रॉफिट शेयर बताना है। तो देखिए, हमेशा जो प्रॉफिट होता है ना वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो प्रॉफिट ऑलवेज होता है हमारे इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम के। तो यहां पर कौन कौन से पर्सन है, ए बी एंड सी, ठीक है। अगर हम इनके इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं सिर्फ, तो की रेशियो क्या है, 1:4, 1:6 एंड 2:10, ये फ्रैक्शन के टर्म्स में है, ठीक है। और इस फ्रैक्शन को हमें सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि हमें एग्जैक्ट रेशियो पता चले, ठीक है। तो हम इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 4, 6 एंड 10, ठीक, एलसीएम इज 60। 1:4 में 4 को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा आपके पास, 15:60, एंड 6 को 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 10:60, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, न्यूमरेटर में भी। 10 को 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो 12:60, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो यहां से कंक्लूजन हमारे पास, उनके इन्वेस्टमेंट में रेशियो कितना आ गया, 15:10:12, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि ए बी सी तीनों इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 15, और कितने टाइम के लिए किया, तो ए के टाइम ड्यूरेशन में कुछ भी नहीं बताया गया, एट द एंड ऑफ ईयर। तो यानी ए ने कितने टाइम के लिए, इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट था वो 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। बी की बात करते हैं, बी ने जो इन्वेस्ट किया है वो 10 है, और कितने के लिए, कितने टाइम के लिए किया है, तो 12 मंथ्स के लिए। पर सी के इन्वेस्टमेंट में टाइम ड्यूरेशन में हमें क्लियर बताया गया है, आफ्टर 3 मंथ्स सी विड्रॉ 1:6 ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12 यूनिट, ये ओनली फॉर 3 मंथ्स था। 3 मंथ्स के बाद उसने अपने इन्वेस्टमेंट में से 1:6 पार्ट विड्रॉ कर लिया है। 12 यूनिट का 1:6 इज 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट विड्रॉ कर लिया, तो अब इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 यूनिट, और कितने टाइम के लिए होगा, 9 मंथ्स, क्योंकि टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 12 मंथ्स, यानी 1 ईयर, ठीक है। तो यहां से अब हम इनका क्या है, प्रॉफिट शेयर फाइंड कर लेंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 180, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 120, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 36 प्लस में 90 इज 126 यूनिट। अब देखिए, हमारे पास ए और बी का टोटल प्रॉफिट शेयर अगर हम कहें तो 180 प्लस 120 यानी कितना, 300 यूनिट। 300 यूनिट का हमें वैल्यू, प्रॉफिट की कितनी वैल्यू दी है, 12,000 रुपीज। 300 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है, 12,000 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 40 रुपीज, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू इज 40 रुपीज, ये बात क्लियर है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 40 रुपीज आ गया। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू बतानी है, सी की शेयर, और सी का शेयर कितना है, 126 यूनिट। 126 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 × 126, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5,000, ठीक है, 5,040 रुपीज, जो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रनिंग ए ट्रेन कैन क्रॉस ए स्टेशनरी ट्रेन इन 45 सेकेंड एंड व्हाइल ए रनिंग ए मैन इन
मैन इन ए सेम डायरेक्शन इन 40 सेकेंड. इफ द स्पीड ऑफ मैन इज 36 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रनिंग ट्रेन. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हमें बताना है. एंड लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन इज 80% ऑफ द रनिंग ट्रेन. देखिए हमें क्या बताया गया, एक रनिंग ट्रेन है जो एक स्टेशनरी ट्रेन को 45 सेकेंड में क्रॉस कर देते हैं, और वही रनिंग ट्रेन एक दौड़ रहे एक पर्सन को, रनिंग कर रहे हो एक पर्सन को 40 सेकंड में क्रॉस करती है, और जो पर्सन है वो सेम डायरेक्शन में रनिंग कर रहा है जो ट्रेन की डायरेक्शन. तो हमसे ये पूछा गया है जो रनिंग ट्रेन है ना उसकी लेंथ बतानी, और जो स्टेशनरी ट्रेन है ना उसकी लेंथ क्या है, रनिंग ट्रेन का 80% है. ठीक है, जब 80% की फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है, तो 80% की फ्रिक्शन इज 4/5 पता है क्या डिफाइन करती है, कि जो स्टेशनरी ट्रेन है उसकी जो डायरेक्शन, उसकी जो लेंथ होगी, सॉरी, ठीक है, वो कितनी होगी, 4 यूनिट, अगर रनिंग ट्रेन की कितनी है लेंथ, 5 यूनिट. तो हम इसे 5x और 4x के रेशियो में ही एज्यूम करें तो हमारे लिए ज्यादा बेटर. ठीक है, तो चलिए हमारे पास सबसे पहले क्रॉसिंग टाइम इक्विवेलेंट आपके पास क्या होता है, तो आपके पास क्रॉसिंग टाइम इक्विवेलेंट होता है L1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट की लेंथ, L2 इज अ सेकंड ऑब्जेक्ट की लेंथ. ठीक है, एंड अपॉन में V1 प्लस माइनस V2. प्लस माइनस किस लिए आता है, अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस का यूज होगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस का यूज होगा. ये बात क्लियर है. ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं. फर्स्ट कंडीशन में देखिए एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट रनिंग ट्रेन और सेकंड ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी ट्रेन, दोनों की कुछ ना कुछ लेंथ होगी. तो रनिंग ट्रेन की लेंथ मैंने कितनी मानी है, 5x, एंड स्टेशनरी ट्रेन की लेंथ कितनी मानी है, 4x. रनिंग ट्रेन की वेलोसिटी होगी वो मेरे पास, मैंने उसे v अज्यूम कर लिया, पर उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देती हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, एंड टाइम क्रॉसिंग टाइम कितना है, 45 सेकंड. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितना आएगा, 9x किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये वैल्यू उधर जाएगी, तो 45 इंटू में v इंटू में 5/18. 9 से ये 5 टाइम कैंसिल. ठीक है, 5 5 25, तो कंक्लूजन यहां से आएगा 25V किसके इक्विवेलेंट है, 18x के. तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई. सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं. ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ट्रेन, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट एक मैन है. ठीक है, तो मैन की तो कुछ लेंथ नहीं होगी, रनिंग ट्रेन की लेंथ है 5x, पर वेलोसिटी दोनों की होगी क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट इस बार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. ठीक है, ट्रेन की कितनी है v और पर्सन की कितनी है 36. सेम डायरेक्शन में है तो माइनस का साइन आएगा, और इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट करें, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और यहां से हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, 40 सेकेंड. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, तो ये हमारे पास 5x इक्विवेलेंट किसके आ जाएगा, 40 इंटू में 5/18, और किसके अपॉन में चाहे रख लीजिए, चाहे यहीं पे एज इट इज रख ले लेते हैं हम, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस 36. ठीक है, 5 से इसे कैंसिल आउट करूंगी 8 टाइम्स. ठीक है, 2 से इसे सिंप्लीफाई करूंगी. ठीक है, तो ये 9, चाहे 18x इधर ले जाइए प्रॉपर ही. ठीक है, ये प्रॉपर 18 इधर लेके जाऊंगी तो ये 18x हो जाएगा. और ये वैल्यू अब देखिए क्या है, 9 से हमने 5 से इसे कैंसिल किया था, ये 8 आया, 8 इंटू 5 इज 40. तो 40v माइनस 36 इंटू में 40. ठीक है, अब 18x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पहले से कितनी है, 25v, तो इसे पुट कर देंगे, तो यहां से कितना आएगा, 40v माइनस 25v किसके इक्विवेलेंट है, 36 इंटू में 40. ठीक है, 15v की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 36 इंटू में 40. ठीक है, 3 से इसे सिंप्लीफाई करूंगी तो 5 टाइम्स. ठीक है, ये v है यहाँ पे, एंड 3 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 12, 5 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 8. ठीक है, 12 8 जम आपके पास कितना आ गया, 96. वी की वैल्यू कितनी आ गई, 96. पर ये किसमें है, ये किलोमीटर पर आर में, क्योंकि वी हमने किसमें अज्यूम किया था, किलोमीटर पर आर. अब इसे हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, तो हमारे पास ट्रेन की लेंथ आ जाएगी. ठीक है, तो आप कहीं पे भी पुट कर दीजिए, यहाँ पे हम इसे पुट करते हैं फर्स्ट कंडीशन में. ठीक है, तो हमारे पास चाहे हम सेकंड में कर दें, यहाँ पे मैं 96 पुट करूंगी तो ये वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, 40. ठीक है, 96 माइनस 36 कितना होगा, 60. ठीक है, 60 होगा, 60 को हम किसमें कन्वर्ट करें, 5/18 से मीटर पर सेकेंड में, एंड ये किसके इक्वलेंट है, 5x ही तो है ना, मैंने सेकंड में क्यों पुट किया, तो मेरे पे डायरेक्टली 5x क्या है, रनिंग ट्रेन की लेंथ है, 5x की वैल्यू आएगी.
ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 6 से ये 3 टाइम, 6 से ये 10 टाइम, 400 इंटू में 5 इज 2000, 2000 अपॉन में 3 एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये कितनी आएगी आपके पास जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 666, 666। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो 5x क्या था, रनिंग ट्रेन की लेंथ थी, 5x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 666। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन बाय 3 आर्टिकल ऑन ए सेम कॉस्ट प्राइस एंड सेल 16.23% एंड 12.5% एंड 6.25% प्रॉफिट रेस्पेक्टली। इफ ही गेट ओवरऑल 420 रुपीज एज द प्रॉफिट, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए तीन आर्टिकल है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल पे देखिए प्रॉफिट हुआ है उसे कितने का, 16.23%। 16.23% की आपके पास वैल्यू कितनी होती है, 1/6। 1/6 क्या डिफाइन करती है, 6 इज ए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ठीक है, 6 इज ए कॉस्ट प्राइस, 1 यूनिट इज प्रॉफिट, ये डिफाइन कर दिया। सेकेंड आर्टिकल पे उसे कितने का हुआ है, 12.5% का प्रॉफिट। 12.5% की फ्रिक्शन इज 1/8, तो यहां से कॉस्ट प्राइस इज 8 यूनिट, 1 यूनिट इज प्रॉफिट। थर्ड आर्टिकल पे अगर हम बात करते हैं तो थर्ड आर्टिकल पे परसेंटेज प्रॉफिट इज 6.25%, एंड जिसकी फ्रिक्शन होती है 1/16। 1/16 इज कॉस्ट प्राइस इज 16 यूनिट, 1 यूनिट इज प्रॉफिट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या डिफाइन किया गया, ए पर्सन बाय 3 आर्टिकल ओन ए सेम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक पर्सन है जिसने तीनों आर्टिकल सेम कॉस्ट प्राइस पे सेल परचेज किए हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तीनों आर्टिकल का सेम है, फर्स्ट उससे अगर मैं देखूं तो कॉस्ट प्राइस इज 6 यूनिट, सेकंड कंडीशन से देखते हैं तो 8 यूनिट, और थर्ड से देखते हैं तो 16। हमें इसे इक्वल बनाना होगा क्योंकि क्लियर बताया कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम। तो इक्वल बनाने के लिए एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, 16 इंटू में 3 इज 48। 6 को 48 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, तो प्रॉफिट में भी 8 यूनिट से मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 को 48 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो प्रॉफिट में भी 6 से मल्टीप्लाई। 16 को ये बनाने के लिए 48 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई। तो फाइनली हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 8 यूनिट, 6 यूनिट एंड 3 यूनिट। 8 और 6 इज 14, 14 प्लस 3 इज 17। ठीक है, फाइनली प्रॉफिट इज 17 यूनिट, और 17 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 425। ठीक है, कितनी है, 425। अब हमसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, हमें ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 425 अपॉन में 17, और हमें ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज 48 यूनिट की वैल्यू फाइंड। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स 34। ठीक है, 34, और हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह जाएगी आपके पास, 8। ठीक है, तो कितना, 5 टाइम्स, 25 इंटू में 48। ठीक है, तो अब इसे ब्रेक कर सकते हैं, 48 को देखिए 25 इंटू 4 कितना होता है आपके पास, तो 25 इंटू 4 इज 100, और 48 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 12 इंटू में 4। ठीक है, तो ये 100 और ये इंटू में 12, तो कितना आ गया, 1200। तो हमारे पास ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 1200, जो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, सिंप्लीफाई करना, 1/20, 1/30, 1/45। अब सबसे मेन टास्क क्या है, अगर हम इन सबका एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 20, 30, 42, 56 एंड 79 एंड 90, तो क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पर अगर मैं देखूं 1/20, 20 जो वैल्यू है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल होता है, 4 एंड 5। एंड नेक्स्ट इज 30 भी 5 इंटू 6, 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 42, 6 इंटू 7। तो देखिए 1/20 कैसे बना है बेटा, अगर मैं 1/4 माइनस 1/5 करती हूँ, तो आपके सामने है देखिए एक एलसीएम, एलसीएम लूंगी तो कितना आएगा, 20। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 इज 1/20।
1/20। तो कंक्लूजन क्या है, देखिए 1/4 माइनस 1/5 को मैं क्या है 1/20, तो यहां से 1/20 को जब हमें क्लियर हो गया हम क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, ऐसे ही 1/30। तो ये भी किसका कॉम्बिनेशन है 5 × 6, तो यहां से भी अगर हम देखें 1/5 माइनस 1/6, एलसीएम लूंगी तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए 6 माइनस 5 इज 1 ही बनेगा 1/30। ऐसे सिमिलर 42 की बात करें तो 1/6 माइनस 1/7, ठीक है, ऐसे सब चलती रहेगी। लास्ट वैल्यू देखिए क्या है 90, तो वो क्या होगा 1/9 माइनस 1/10, ठीक है। इसके बिट में दो ही वैल्यू 56 एंड 72 से भी ऐसे ही लिखे। अब पॉइंट समझना, 1/5 से 1/5 कैंसिल, 1/6 से 1/6 और इंटरनल सारी वैल्यू कैंसिल आउट। देखिए 1/4 फर्स्ट वैल्यू थी वो नहीं मिलेगी और 1/10 लास्ट वैल्यू है वो नहीं मिलेगी, बाकी सब इंटरनल वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो लास्ट कंक्लूजन क्या रहा 1/4 माइनस 1/10, ठीक है 1/10। तो यहां से हम इसे एलसीएम लेंगे, तो चाहे आप एलसीएम ले लीजिए चाहे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 − 4/40, ठीक है। तो कितना आ गया 6/40, जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/20, तो आंसर इज 3/20 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमें यहाँ पर भी इस वैल्यू को क्या करना है सिंप्लीफाई 99 1/7 99, ठीक है 999 1/7 999 2/7। तो देखिए सब में से मैं क्या है कॉमन ले लेती हूँ 999, तो अब ये वैल्यू क्या रह जाएगी 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 and 6/7 एंड प्लस में 6/7, सब कुछ कॉमन ले लिया मैंने। अब पॉइंट समझना कि क्वेश्चन होगा मैम आपने कॉमन कैसे लिया, तो बेटा देखो अगर मैं 999 1/7 को लिखती हूँ तो कैसे लिखती हूँ, 7 किससे मल्टीप्लाई और प्लस 1, तो मैंने जो पार्ट था वो प्लस 1 वाला वो एक अलग कर दिया 1/7 की फ्रैक्शन, ठीक है, और वो वैल्यू अलग से ले ली, ठीक है। तो यहां से अब हमारे पास ये कंक्लूजन बनता है। अब इसे ऐड करती हूँ तो देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत इजीली ऐड हो जाएगा, ठीक है 4 + 6 = 10 एंड 5 एंड ये भी 5, तो कितना हो गया अगेन ये 10 एंड 1 = 21, तो ये कंक्लूजन आया 21/7 और ये वैल्यू तो आपके पास 99 है और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 999 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो आप इसे 1000 समझ लीजिए, 1000 की 3 से मल्टीप्लाई 3000, पर हमें तो 999 की करनी थी, 3 हमने 1 एक्स्ट्रा लिया है तो 3 एक्स्ट्रा होगा तो हम 3 लेस कर देते हैं, 3000 में से 3 लेस करूंगी तो 2997, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।